हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो फिलहाल हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से। इन्होंने अपना पोर्टल ओपन कर दिया है फॉर द पीजी प्रोग्राम, राइट? सो आपको क्या करना है, एडमिशन में जाना है यूजी पीजी एडमिशन। आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है पीजी एडमिशन के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करें, सबसे पहले तो लास्ट डेट देख लीजिए, 7, यानी आज 4 तारीख हो गई है, तो 7 तारीख तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसीजर वही पुराना जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है, सब डिटेल फिल करने के बाद सबमिट करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है और लॉग इन करना है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहला आता है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रखा है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देखिए, कितनी सीट ये लेने वाले हैं। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे अलग, जो किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रही है, यहाँ पर एज लिमिट है। यू नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एज लिमिट मेंशन कर रखी है, तो थोड़ा देख कर इसको फिल करना। आप अपनी एज भी देख लीजिएगा। मैं एमएससी केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो ये एमएससी केमिस्ट्री में 38 सीट्स हैं। आपके पास बीएससी डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स, और आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, 5% रिलैक्सेशन हो जाएगा एससी एसटी के लिए। एंड शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड, 25 साल उम्र नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है? हैव नॉट कम्प्लीटेड द 25 ईयर ऑफ एज एज दैट इस पर्टिकुलर डेट से। ये डेट मैंशन है, गूगल पे देख लिया करो अगर आपको नहीं आता है। इस पर्टिकुलर डेट से आप 25 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, तो इन्होंने एज का क्राइटेरिया दे रखा है। ये इन्होंने जरूर बताया अपना एज क्राइटेरिया के अंदर। सारी सीट मेंशन है, हर एक यहाँ देख सकते हैं, हर एक की यहाँ पर क्या है, सीट्स मेंशन है, कितने यहाँ पर सीट्स हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है, सबका मेंशन कर रखा है। उसके बाद थोड़ा फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम अपनी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो बच्चा फीस स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, लेट फीस, वो सारा डाटा दे रखा है। ये देखिए, ये सारा डाटा दे रखा है, पहले सेमेस्टर का, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? ये सारी फीस यहाँ दे रखी है, आप इस फीस को देख लीजिएगा। हर एक, ये पीजी प्रोग्राम के लिए, ये हमारे पीजी प्रोग्राम के लिए। अब पीजी प्रोग्राम के लिए इन्होंने मेंशन किया कि भाई पीजी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस लगा लगा कर इन्होंने पहुँच गए हैं ये 18,000 के करीब, किन के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, और बाकियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी का मेंशन कर रखा है, आप देख लेना इसको। फीस के बारे में डाटा दे रखा है इन्होंने, एमबीए वगैरह जो होंगे, एमबीए होगा उनका अलग दे रखा है, ठीक है? योगा, डिप्लोमा, सबके बारे में डाटा इन्होंने दे रखा है, तो फीस स्ट्रक्चर तो हम देख ही लेंगे। उसके बाद प्रोस्पेक्टस ज़रूर देखिएगा आप सब ना, प्रोस्पेक्टस में प्लेसमेंट वगैरह आपको देखना चाहिए, वो सब आपके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फीस कितना लग रहा है, तो यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है। होगा यहाँ पर 300-400 रुपये, मतलब 300 to 400 तो होगा ही, नियर अबाउट इसके तो होगा, बट यहाँ पर मेंशन ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं ये पोर्टल ओपन करती हूँ, एडमिशन नोटिस करती हूँ, तो मेरे पास दोबारा से यही आ जाता है, ठीक है? तो एडमिशन नोटिस को मैं कहाँ से पता करूँ, इन्होंने कुछ दे ही नहीं रखा। प्रोस्पेक्टस में ये पुराने वाला प्रोस्पेक्टस देंगे, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस तो आप भी रीड आउट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी देखो, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो ये टॉप 15 में आती है, टॉप 15 में हमारी ये रहती है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। अब अभी मैंने एक रिसेंटली, अभी जस्ट अपने चैनल पर वीडियो डाला था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अभी मैं जस्ट कमेंट ही, उसी कमेंट को शो करना चाहूँगी। मैंने अभी अभी यहाँ पर डाला है, यहाँ पर देखिए, अभी मैंने यूनिवर्सिटी डाली थी झारखंड की, तो इसके ऊपर कमेंट आता है, 800 रुपये फॉर रजिस्ट्रेशन विच इज़ नॉन रिफंडेबल। भैया लूट लो जितना लूटना है, मैं खुद झारखंड से हूँ, इतना अच्छा भी नहीं है ये यूनिवर्सिटी। अब ये लाइन जो इन्होंने लिखी है, इतना अच्छा भी ये यूनिवर्सिटी नहीं है। अब देखो, जो जाता है, जो रहता है, उसे ही पता होगा ना रियलिटी। तो वेबसाइट में न्यू कैंपस का फोटो और पढ़ाई पुराने कैंपस में होता है ना? तो ये, अब देखो, हमें तो, मैं थोड़ी जाऊँगी झारखंड यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट करो, आप कोशिश करो। अगर आपको झारखंड में ही आप रहते हो, तो आप डेफिनेटली आप विजिट करके आ जाओ ना, एक बार देख तो लो, वहाँ जाने से पता चल जाएगा। इन्होंने तो इवन सारा फीस का डाटा भी दे दिया, तो देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा फीस बता रखा है, कि मेस का कितना है, बट इन्होंने कोर्स का नहीं बताया कि ये कौन से कोर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप इन्हें कमेंट करके पूछो गौतम कुमार से कि भाई किस कोर्स की आप बात कर रहे हो, है ना, थोड़ा ईजी होगा।
और अभी देखो यहाँ पे लिख रखे यूनिवर्सिटी का रिव्यू बहुत अच्छा है मैम, मैम कट ऑफ हाई है, क्या हो पाते बेस्ट यूनिवर्सिटीज झारखंड। अब ये इनकी तारीफ कर रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग होता है ना, पीओवी तो सबका अलग ही है। तो अभी रियलिटी क्या है इसके लिए आप अपने लेवल पर चेकआउट करें, आपका कोई ना कोई 110% नोन मिल जाता है। मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप में ना बच्चे, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे हल मतलब पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से बच्चे कनेक्ट हैं। आप वहाँ पे सिंपल पूछ लो, कोई झारखंड झारखंड से है तो वहाँ से अगर आपको मिल जाता है, या कोई ओडिशा से है तो वहाँ से वो उस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मान लो मैं हरियाणा से हूँ तो मैं अपने हरियाणा का बता सकती हूँ, मैं पंजाब का बता सकती हूँ, राजस्थान का है ना, टॉप का तो मैं खुद भी बता सकती हूँ, पर जिनका नहीं मुझे पता तो मैं नहीं आइडिया देने वाली हूँ। बट मैं बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा कमेंट को अगर हम देखें तो मतलब मैं खुद भी परेशान हो गई थी कि यहाँ ये लिख रहा है कि नॉन रिफंडेबल एंड ऑल दैट, और ऊपर लिख रहा है एक बंदा कि हाँ ये सही है। तो मतलब अभी इसी तरह से मैं बताऊंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के बारे में। तो अगर कोई स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में या केरला में रहता है, उसको यहाँ की रियलिटी का पता है, प्लीज़ यहाँ पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, इनका हॉस्टल, इनका नोटिफिकेशन, प्लेसमेंट, क्या सीन रहता है यहाँ पर, कमेंट करके, ताकि किसी और को हेल्प मिले। ठीक है, कमेंट करने से ये नहीं होगा कि मेरे को कोई बेनिफिट है, मेरे को नहीं है कोई बेनिफिट, बच्चों को बेनिफिट है, बच्चा बेनिफिट, बच्चे को बेनिफिट है ना कि वो पढ़ेगा फिर वो इससे पूछेगा। यहाँ पे कमेंट करके आप इससे पूछो गौतम कुमार से कि भाई आप किसी यहाँ पर कौन से कोर्स की बात कर रहे हो, किस फील्ड में ही अच्छा है, तो ये चीज़ आपके लिए ही तो बनाई जा रही है। सो इस तरह की हर एक अपडेट के लिए आप अलीम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।